स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना पूरा घर द्वार बेच दिया, यहाँ तक कि अपनी बीबी का ज्वेलरी जो होता है वो भी बेच दिया। तो उन्हें कहा जाता है द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। इनका रियल नाम है रघुवेंद्र सिंह जी और ये रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें फ्री में हेलमेट बांटते हैं। इन्होंने फ्री हेलमेट बांटने के लिए अपने ग्रेटर नोएडा का घर बेच दिया और अपनी बीबी का ज्वेलरी तक बेच दी। आपको मैं लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, आप बिना हेलमेट के निकले हुए हैं। आपको गाड़ी के पीछे संदेश देखा आपने क्या लिखा है? गाड़ी के पीछे देखा आपने क्या लिखा है? यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, तो हेलमेट का प्रयोग करें। और मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ये बंदा अपना सब कुछ घर द्वार बेच के कंगाल होकर लोगों को फ्री में हेलमेट बांटता है। तो आपको बता दूं कि बात है 2014 की, जब इन्होंने एक रोड एक्सीडेंट में अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। तभी से इन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट किया है फ्री हेलमेट बांटने का और लोगों को जागरूक करने का। इनके कामों को देखते हुए नितिन गडकरी साहब, जो अपने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और सोशल हेल्पर कहे जाने वाले सोनू सूद जी ने बहुत अच्छे से बखूबी सराहा है। आजकल रघुवेंद्र जी अपने परिवार के साथ बिहार के गांव में रह रहे हैं और इनका बेटा प्राइवेट स्कूल को छोड़कर अब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। इन्होंने अब तक लगभग 50 से 60 हज़ार हेलमेट फ्री में बांट दिया है, जो कि उसका पूरा अगर हम लोग पैसा देखें तो आता है वही 5 से 6 करोड़ तक आ जाएगा। रोड एक्सीडेंट के डेटा को देखा जाए तो लगभग हर घंटे इंडिया में 47 लोगों की एक्सीडेंट होती है, जिसमें से 18 लोग ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अब वो 18 लोग जो दुनिया छोड़ के जाते हैं कि हम उनके परिवार के बारे में सोचें। मान लीजिए कि वो बंदा कमाता हो और अकेला इस आदमी हो जो घर में जो कमा के अपने घर के सभी सदस्यों का पेट भरता हो, अपने बच्चे का स्कूल का फी भरता हो, तो सोच लीजिए अगर वो चला गया, फिर ये लोग तो बच्चे का स्कूल गया, उनके घर वालों की जो अच्छी सी लाइफ जी रहते हैं वो चला गया। अब वो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? जाके किसी होटल पे काम करेगा या सड़क के किनारे घूमेगा। बाद में वही बच्चा क्या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाएगा और उसके क्रिमिनल माइंड होने के पीछे कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट ही एक कारण है। तो अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हो तो प्लीज़ हेलमेट पहन के जाएँ, बाइक सावधानी से चलाएँ, और सबसे बड़ी बात आप लोग हमेशा याद रखें जो रघुवंदर जी अपने कार के पीछे भी एक कोटेशन लिखवाए हुए हैं कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए।